नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजीत स्टडी सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोई भी दो अंकों की संख्याओं को गुणा करने का ट्रिक को सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है वो दो अंकों की संख्याओं को गुणा करने का ट्रिक है। देखिए, दो अंकों की संख्या, एक अंक यहाँ पर लिखेंगे, एक अंक यहाँ पर लिखेंगे, और एक अंक यहाँ पर और एक अंक यहाँ पर लिखते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिए। मान के चलिए कि यहाँ पर हमारा सवाल है 15 और इसको गुणा करना है 15 में। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, ये 15 है और नीचे भी 15 है, मतलब कि एक को यहाँ पर लिखे और पाँच को लिखे यहाँ पर, और ये वाला एक जो नीचे में है वो यहाँ पर लिखे और पाँच को लिखे यहाँ पर। अब समझिए क्या करना है कि जो सबसे दाहिना साइड जो संख्या है, मतलब कि पाँच और पाँच जो है वो दाहिना साइड है, तो ये संख्या को ये संख्या में गुणा करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप है कि ये जो बाहर में संख्या है, ये जो इधर है दाहिना साइड है, उसको गुणा कर लीजिए। इसको जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई संख्या आएगा, इसको लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि क्रॉस गुणा करना है, तिरछा, मतलब कि ये एक का गुणा पाँच में और ये पाँच का गुणा एक में करना है, तिरछा गुणा करना है। उसके बाद यहाँ पर गुणा करके क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। अगर इसमें कुछ बचता है तो इसमें फिर ऐड कर लेंगे और फिर इसको यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद क्या है कि ये संख्या जो बायां तरफ जो संख्या है, इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, और अगर यहाँ पर कुछ बचता है तो इसमें फिर जोड़ लेंगे। तो चलिए देखिए ये कैसे हम लोग बनाते हैं ये ट्रिक को। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट स्टेप कि दाहिना साइड में जो संख्या है उसको गुणा कीजिए। तो पाँच का गुणा पाँच में करेंगे, तो पाँच का गुणा जब पाँच में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 का क्या हो गया, पाँच, तो यहाँ पर पाँच लिखे, अभी दो हमारा बचा हुआ है। सेकेंड स्टेप में क्या है कि क्रॉस गुणा करना है, मतलब कि एक का गुणा पाँच में और पाँच का गुणा एक में, और फिर उसको जोड़ लेना है। तो एक का गुणा जब हम पाँच में किए तो कितना हो गया, पाँच हो गया। फिर जब हम पाँच का गुणा एक में किए तो ये भी हो गया पाँच। अब देखिए, पाँच और पाँच को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 10, और दो हमारा अभी यहाँ पर बचा हुआ था, तो 10 और दो 12, तो 12 हो गया। तो 12 का क्या लिखेंगे, 12 का लिखेंगे यहाँ पर दो, तो दो हो गया, अभी हमारा एक बचा हुआ है। अब क्या है थर्ड स्टेप कि ये बायां साइड में जो संख्या है उसको गुणा कर लीजिए। तो देखिए बायां साइड में क्या है, एक और एक, तो एक का गुणा एक में करेंगे तो एक हो जाएगा, और यहाँ पर अभी हमारा एक बचा हुआ था तो एक को जोड़ लेंगे। तो एक एकम एक, और इसको एक को जोड़ लीजिए, तो एक और एक हो गया दो। तो इस तरह से 15 × 15 करने पर इसका मान आ गया 225, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा सवाल यहाँ पर हम लिए हैं 35 × 18। तो 35 का 18 में गुणा कीजिए। देखिए पहला स्टेप क्या है, 5 का 8 में गुणा करना, तो 5 × 8 = 40, 40 का 0, अभी हमारा बचा हुआ है 4। अब क्या करना है, क्रॉस गुणा कीजिए, 3 का गुणा 8 में और 5 का 1 में, तो 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 3 × 8 = 24, और 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 × 1 = 5। अब इसको जोड़ लीजिए, तो 5 × 4 = 9, और ये हो गया 2, तो ये हो गया 29। 29 तो हो गया, लेकिन ये जो 4 है हमारा, इसमें जो बचा हुआ था इसको भी जोड़ लेना है। तो चलिए जोड़ लीजिए, 9 × 4 = 13, हाथ में कितना, 1, 1 और ये 2, 3 हो गया, तो ये हो गया 33, 33 का क्या हो गया, 3 हो गया, अभी हमारा 3 बचा हुआ है। अब क्या करना है थर्ड स्टेप में कि बायां साइड में जो संख्या है उसको गुणा कीजिए। तो 3 का गुणा 1 में, 3 × 1 = 3, और ये 3 जो बचा हुआ था उसको भी जोड़ लीजिए, तो 3 × 3 = 3, और ये 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। तो इस तरह से 35 × 18 जब किए तो हो गया 630। देखिए है ना कमाल का ट्रिक, सेकेंडों में आप गुणा कर सकते हैं दो अंकों की कोई भी संख्याओं को। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल है 42 × 86, तो इसको भी गुणा कीजिए ट्रिक से। कैसे करेंगे, पहले क्या करना है, लास्ट वाला यानी कि जो दाहिना साइड में जो संख्या है ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, 2 × 6 में, तो 2 × 6 = 12, 12 × 2, हाथ में कितना, 1 बच गया। उसके बाद क्रॉस गुणा करके जोड़ लेना है, देखिए 4 × 6 = 24, तो 24 लिख लिए,
और 2 8 16 16 लिख लिए। अब ये जो एक जो बचा हुआ है उसको भी लिख लीजिए क्योंकि जोड़ना ही पड़ता है। तो 4 और 6 हो गया 10, 10 और 1 11, 11 का एक हाथ में 1 और 2 1 3 और एक हाथ वाला 1 कितना हो गया 4। तो इस तरह से हो गया 41, 41 का हो गया 1, अभी हमारा हाथ में 4 बचा हुआ है। अब क्या करना है थर्ड स्टेप में कि ये बायां साइड वाली संख्याओं को ऊपर नीचे गुना करना है। तो 4 8 32, 4 8 32 और यहाँ पर हाथ में कितना था, हाथ में था 4। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, 4 8 32, 32 और 4 जोड़ दीजिए 36। तो इस तरह से ये हो गया 3612 42×86 का आंसर। तो इसी ट्रिक का प्रयोग करते हुए 34×18 इसको गुणा करने पर कितना आएगा, इसी ट्रिक का प्रयोग करके आपको इसका जवाब कमेंट में देना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको दो अंकों की कोई भी संख्याओं को गुणा करने का ट्रिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।